मरियम नवाज की पेशी के दौरान नैब ऑफिस लाहौर के बाहर पथराव के मामले पर अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने 58 लीगी कारकुनान को जिला कचहरी पेश किया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। मुलजिमान के खिलाफ वोट ब्लॉक करने समेत 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरखास्त पर थाना चौंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मरियम नवाज समेत मुतादित एमपीएस, नून लीगी रहनुमा, कारकुनों समेत 188 अफराद नामजद किए गए। राणा सनाउल्लाह, मोहम्मद जुबैर, जावेद लतीफ, बिलाल यासीन, मलिक रियाज, इमरान नजीर के नाम भी एफआईआर में शामिल है। नैब की दरखास्त पर मुकदमा 353, 427, 148, 16 एमपीओ समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। मतन में कहा गया है कि मरियम सफदर की कयादत में लीगी कारकुनों ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। लीगी रहनुमा ने अपने शोहर सफदर रहमान की इमा पर नैब पर हमला कराया है। कारकुनों के पथराव से नैब मुलाजमीन समेत 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुए।